हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनीशा अमनूर। आज हम करने वाले हैं हम अपनी स्किन की पॉलिशिंग भी बोल सकते हैं, स्किन ब्राइटनिंग भी बोल सकते हैं और टैन रिमूवल भी बोल सकते हैं। इसमें हम सिर्फ दो चीज़ें से अपनी स्किन पर से जो भी डेड स्किन है या फिर स्किन पर शाइन नहीं है, ब्राइटनिंग स्किन नहीं है, फेयर नहीं है और ब्लैक हो चुकी है हमारी स्किन, सन टैन हो चुका है, तो उसके लिए सिर्फ दो चीज़ों से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक चम्मच कॉफ़ी सादी, जो भी हम यूज़ करते हैं कोई भी कॉफ़ी चलेगी। तो उसमें हमें डालना है एक चम्मच नारियल का तेल। तो उसमें हमें एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करना है, जितनी आपको चाहिए, जितनी नीड है आपकी स्किन के लिए, तो आप उतना पेस्ट आप तैयार कर यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिलाना है, स्क्रब का काम भी करेगा और हमारी पॉलिशिंग का काम भी करेगा। तो इसे अप्लाई कैसे करना है, हम नॉर्मली जैसे स्क्रब करते हैं वैसे ही हमें अपने हाथों पर, पैरों पर या फिर नीज पर जब भी हमारी स्किन ब्लैक हो रही है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे से शाइन आपको मिलने वाली है। जैसे कि हमारी स्किन ड्राई रहती है और स्किन पर ऐसा खिंचाव सा रहता है तो हमारी स्किन हमें थोड़ा डल सा भी नज़र आती है, तो उसमें ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाला है। अगर आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारी स्किन ब्लैक हो जाती है बाहर जाते ही, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीक में हम इसे दो बार ऐसे कर लें तो हमारी स्किन बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगी हमारी स्किन। तो इसको हमें सर्कुलेशन मोशन में करना है। इसमें हम स्क्रब करने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे पानी का टचअप लेकर इसे पूरी स्किन पर एब्जॉर्ब करवाना है, क्योंकि कॉफ़ी होती है वो स्क्रब का काम करती है, उसके पार्टिकल बहुत हार्ड से होते हैं, तो पानी मिलाने के बाद हमारे स्किन पर ये और भी ज़्यादा ग्लो देता है। तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। वैसे अभी मैं एक बाजू पर ही कर रही हूँ क्योंकि आपको रिजल्ट भी दिखाना है, तो आप उसे अच्छे से, जैसे कि हम इसकी बॉडी मसाज करते हैं तो आपको बाद में इसे मसाज भी देना है ताकि ऑयल जो हमने यूज़ किया है वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमारी स्किन पर ये बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसे ट्राई करते हैं। इसको करने के बाद हमें इसे रिमूव करना है, नॉर्मल वाटर से भी वॉश भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों हाथों में कितना ज़्यादा फर्क है, एक शाइन कर रहा हो तो दूसरा ही उतना डल दिखाई दे रहा है। तो आप भी ट्राई कीजिए और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।